झांसी जिले की मोठ तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम सेना के राशन विक्रेता जुगल किशोर ने आरोप लगाया है कि राशन विक्रेताओं की दुकान पर शासन द्वारा होम डिलीवरी की योजना बनाई गई थी, जिसके अंतर्गत ठेकेदार द्वारा राशन की दुकानों तक पहुंचाना था, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही इस कदर है कि ना तो दुकानों के तक राशन पहुंचता है, ना ही वह तौल करके दुकानदारों को राशन दे रहा है। राशन विक्रेता का आरोप है कि वह जमकर घोटाली कर रहा है। भैया क्या नाम है, कहाँ के? जुगल किशोर। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है सर, हमारे होम डिलीवरी है सर, यहाँ माल नहीं, होम डिलीवरी नहीं करते, यहाँ पे देते हैं माल अपने। जी किस चीज़ की? कंट्रोल का माल आता है ये FCI का, हम कोटेदार है सर। क्या समस्या है? समस्या ये है सर कि अपना कांटे लेके आए जी, किराए इस कांटे से लेंगे हम, नहीं तो नहीं देंगे हम। तो कांटे से क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको, क्या सर? हम कंट्रोल जो धर्म कांटा है ना मंडी वाला, उसकी हमने पर्ची कटवाई हुई है, पर्ची कटो कह रहे कांटा, वो भी धर्म कांटा मंडी घरतौली कर रहे हैं सर। कहाँ के कोटेदार हैं? सेना के। ये माल कहाँ से आ रहा है? FCI का माल आता है सर जी। और कह रहे अगर माल लेना हो तो लो, हमारे कांटे लो, नहीं तो फिर आपको झांसी आना पड़ेगा माल लेने। राशन विक्रेताओं ने यहां तक कि मंडी में लगे धर्म कांटे से भी तौल करके राशन देने की अपील की है, जिससे ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहा है और दबंगई दिखाते राशन विक्रेताओं से कह रहा है कि अगर राशन लेना है तो ले लो, नहीं तो उन्हें झांसी राशन ले जाना पड़ेगा, जिससे राशन विक्रेताओं में रोष व्याप्त और राशन विक्रेता परेशान है। कहीं ना कहीं शासन द्वारा नियुक्त किए गए ठेकेदारों पर खड़े हो जाते हैं, ठेकेदार मनमाने ढंग से राशन विक्रेताओं को राशन दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।